तो गुड मॉर्निंग, इट्स 9:14 और वी आर सेइंग गुड बाय टू ट्रिपर फॉर नाउ. सो इट्स ऑलरेडी लेट, इट्स 9:17 एंड आई थिंक 10 आफ्टर 10 विल बी आउटसाइड कोडई, शुड बी आउटसाइड कोडई. लेट्स सी कि कैसे होता है. आई डोंट नो हाउ द ट्रैफिक विल बी बिकॉज इट्स संडे. Lot and lot of people will be going home today. This road is really, really bad. On my right is the Kodaikanal city. हमें डिंडीगुल जाना है फर्स्ट ऑफ. सो टंकी फुल करा ली है फाइनली. 9:40 हो गया. जो मैं चीज़ बोल रहा था कि 10 बज जाएगा कोड़े ख़त्म होते होते, बट कोड़े तो अभी भी चल रहा है. 20 मिनट है हमारे पास. गुड बाय टू दिस ब्यूटिफुल सिटी. वेलकम, विल मीट अगेन सून, बहुत ही जल्दी. चॉकलेट्स की बात रही तो चॉकलेट्स हमने कल ही ले लिए. सो हमने सब ले लिया यहाँ से जो भी लेना था, तो अब हमें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है. ब्रेकफास्ट के लिए हमें रुकना होगा, तो उसका देखते हैं कि कहाँ पे कुछ अच्छा मिलता है. दिस वॉज सिल्वर कैस्केड. हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ बहुत पानी था, अभी तो पूरा खाली हो गया है. और जैसा मैं बोल रहा था 9:50 एंड नाउ वी आर एग्जिटिंग कोड़ई. दिस वॉज द एंट्री गेट, यहाँ से हम थोड़े ही एंटर हुए थे. अब हम बाहर निकल लिए. यहाँ पे रोड्स थोड़ी ज़्यादा फ्री हैं, आई मीन लेस ट्रैफिक, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. लेट्स फोकस कि हम 11 तक डिंडीगुल पहुँच जाएँ या 1 hour 10 minutes. Road conditions are not very great in some patches, but most of the road is good. So we should not face any problem as such. Driving in these beautiful huts, Dindigul तक पूरा ही ऐसा रहेगा, end तक ऐसे ही रहता है. पूरे में इस section में घाट चलती रहती हैं, कभी इधर turn, कभी उधर turn. तो एक बहुत सही चीज़ होने वाली है, लाइक ह्यूज माइलस्टोन फॉर मी एटलीस्ट. घर पहुँचते लाइक व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम कोड़ई, तो ओडोमीटर वाज 19,600. सो डायरेक्ट कैलकुलेशंस अगर करें तो इट्स मोर देन 400 टू होम. सो ऑन दिस ट्रिप ओनली विल बी कंप्लीटिंग 20K ऑन आवर डायल. यहाँ पे हम लोग कल रुके थे, ये वो स्पॉट है जब आ रहे थे, आई मीन नॉट कल, जिस दिन हम लोग यहाँ कोड़ई आए थे, तो यहीं पे जस्ट लास्ट ब्रेक लिया था हम लोगों ने. राइट में लेक व्यू आ रहा है नीचे. ऑलमोस्ट 11 हो गया है एंड आई थिंक हम लोग 40-50 किलोमीटर्स आ गए हैं. बहुत देर से घाट चल रहा है और अभी घाट काफ़ी बचा हुआ है. 11 बजा है बट गर्मी हो गई है. डिंडीगुल इज 50 मोर. रोड की कंडीशंस ख़राब हो रही हैं. अब ऊपर जितनी अच्छी रोड थी यहाँ पे उतनी अच्छी रोड नहीं है. वो रहा वो लेक जिसकी मैं बात कर रहा था, बट दिख नहीं रहा होगा. तो सामने हम मोस्टली घाट सेक्शन, आई थिंक मेजर वाला ओवर हो गया है. हम लोग थोड़ा प्लेन्स पे आ गए हैं, मुझे अब सब दिख रहा है सामने.
यस हम लोग प्लेन्स पे आ गए हैं। ये आ गया चेक पोस्ट एंड आफ्टर दिस चेक पोस्ट स्ट्रेट रोड है। अब घाट सेक्शन ख़त्म हो गया है फाइनली। कहीं छाई देख के रुकते हैं। सो घाट सेक्शन इज़ ओवर। हम लोगों ने एक स्टॉप ले लिया था। इट्स ऑलमोस्ट 11:25 हो रहा है एंड घाट सेक्शन इज़ ओवर। हमने पीछे एक ब्रेक लिया था छोटू सा कॉफ़ी और चाय के लिए, एक दो बनाना भी खा लिए एंड नाउ वी आर बैक ऑन द रोड। डिंडीगुल इज मोर 50 किलोमीटर्स एंड टोटल डिस्टेंस टू होम इज 405 आई थिंक। मेजरली अब घाट्स ख़त्म हो गए हैं तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है एंड हम लोगों ने कुछ खा भी लिया है तो थोड़ी सी एनर्जी रिस्टोर हो गई है। वाओ क्या ब्यूटीफुल लेक है, पूरे में लोटस निकला हुआ है। लोटस कहेंगे या लिली बोलेंगे आई डोंट नो, वाइट कलर का फ्लावर था। सो हम ये डिंडीगुल वाले हाईवे पे कनेक्ट हो गए हैं। डिंडीगुल इज 43। हम यहाँ रुके भी थे पेट्रोल डलाने के लिए जिस दिन आ रहे थे। मेरे पास एक फोटो है यहाँ की बाइक के साथ। देखो ये रोड कितनी सुंदर है। सो ग्रीन। बैकग्राउंड में हिल्स हैं, दोनों तरफ कोकोनट बनाना ट्रीज। ओके तो फाइनली डिंडीगुल पहुंच गए हम। यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, वो जा रहा है हाईवे सामने, उस पर चढ़ जाना है। और फिर हमें कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, डायरेक्टली हम लोग बैंगलोर पहुंच जाएंगे इसी से। बैंगलोर इज शोइंग 370। अभी 370 था, अभी 380 हो गया एंड सेलम इज 170। ओके सेलम में 60। हमने एक और ब्रेक ले लिया, पानी पिया और फिर चल दिए। सो टाइम इज 2:35 एंड हम ऑलमोस्ट सेलम पहुंच गए हैं। लास्ट 5-6 किलोमीटर बचा है तो बेसिकली हमें तो सेलम सिटी से ही जाना पड़ेगा। नॉट सिटी एग्जैक्टली, पता नहीं बाईपास है या सिटी है, बट वी गेट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक साइड एज वेल। नेक्स्ट इज कृष्णागिरी। कृष्णागिरी इज 107, होसूर इज 160 एंड बैंगलोर शुड बी 200। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी तो धूप है नहीं तब यह हाल है। कैसी धूप आती है, वैसे तो सब बेहाल हो जाता है। सो 3:30 हो गया है, हमने जस्ट यहाँ पे अभी लंच किया है। 3 बजे हम लोग रुक गए थे तो हाफ आवर लग गया हम लोग को, लंच किया, कोल्ड ड्रिंक भी। हाइड्रेट हो गए, जितना स्वेट से वाटर लॉस हुआ था सब रिकवर कर लिया है। नेक्स्ट स्टॉप इज कृष्णागिरी, दैट इज 105 किलोमीटर। 275 किलोमीटर्स हम लोग आ गए हैं। सो वापस कंटिन्यू, बहुत गर्मी हो रही है। 3:36 है अभी तो, बादल आ गया है तो धूप गायब है, वरना धूप आ जाती है तो हालत ख़राब। जब तक ये सेलम सिटी रहेगी थोड़ा ट्रैफिक रहेगा यहाँ पे, अभी सिटी चल ही रही है। टोल प्लाजा आफ्टर 1 किलोमीटर, उसके बाद ये ट्रैफिक, सिटी ट्रैफिक एटलीस्ट कम हो जाएगा, सिटी लिमिट्स ख़त्म। धर्मापुरी 56 किलोमीटर, मैंने अभी एक माइलस्टोन देख लिया फटाक से, तो धर्मापुरी निकलेगा हाफ डिस्टेंस पे और उसके बाद कृष्णागिरी आ जाएगा हाफ और कवर करके 50-50।
धर्मपुरी इज 21 किलोमीटर्स, बैंगलोर इज 156। वहाँ गए दोनों लोग, बहुत टाइम लगा रहे थे, पीछे फंस गए थे, ट्रैफिक बहुत था ट्रक्स का। कृष्णागिरी 61 किलोमीटर्स, धर्मपुरी आई थिंक नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में धर्मपुरी पहुँच सकते हैं। सो 454 एंड वी हैव एंटर्ड कृष्णागिरी, हम सिटी के अंदर ही चल रहे हैं। टोल रोड ख़त्म हो गई है, एक एंट्री एंड वही जो मैंने बताया कि दूसरे एंड की टोल रोड पे निकलेंगे चल के और वहाँ पे ब्रेक लेंगे। टोल गेट 1 किलोमीटर। हाय अगेन, इट्स 5:35 और बाइक इज़ ऑन 19,987, 13 किलोमीटर्स लेस इन 20K। और हम यहाँ कृष्णागिरी टोल के जस्ट बाद रुके थे आफ्टर कंप्लीटिंग 100+ किलोमीटर्स, और हमने फिर से रिज्यूम कर दिया है आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ ब्रेक। खूब सारा पानी पिया, चाय पिया एंड वी आर बैक ऑन रोड। आई थिंक लाइक मैप इज शोइंग 76 किलोमीटर्स, नो सॉरी 79 किलोमीटर्स टिल होम, और बोल रहा है 1.5 आवर लगेगा। सो हम फोकस कर रहे हैं 87 तक पहुंच जाने की। कृष्णागिरी टोल के बाद से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक लेन एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, 3 लेन हो गया है, बट उतना ही ट्रैफिक भी ऐड हो गया है, तो एंड रिजल्ट इज़ नॉट दैट गुड। देखते हैं आज का सनसेट कैसा रहता है, आज दिन का सनसेट यूनिक है, आज का देखते हैं और हम कहाँ पे होंगे, सनसेट हो रहा होगा तो आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम लगेगा, 5:40 हो गया है, मैक्सिमम हाफ आवर में स्टार्ट टू गेट डार्क। अभी हवा थोड़ी सी कम हुई है, इधर ठंडे दिख रहे होंगे कितनी तेज़ उड़ रहे हैं, अभी भी इतनी तेज़ है, इससे पहले और तेज़ हवा थी, तो प्रॉपरली जैसे ही एक ग्लो आया हवा का, पूरा बाइक डिसबैलेंस हो जा रहा है। दीपक को तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसके पास विंडशील्ड भी नहीं है। सो होसूर इज़ 41 एंड होसूर प्लस 30 इज़ बैंगलोर टू 70। बहुत ही ब्राइट सनलाइट ऐसी आंखों में आ रही है, अब मैं विश कर रहा हूँ जल्दी सनसेट हो। सो बाइक के 20K हो जाएंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा, ऑडोमीटर टैंक बैग के नीचे छुपा हुआ है। देखो यही मैं बोल रहा था कि थोड़े से ट्रक्स आएंगे और जाम लगना शुरू हो जाएगा, वही जो मैंने बोला था। इट्स 6:02 एंड सन इज ऑलमोस्ट डाउन, बहुत कम जगह आप दिख रहा है, मोस्टली उस वाली लेन पे जा रहे हैं। हाँ यहाँ पे आ रहा है, तेरा ठंडा होने लग गया है थोड़ा सा, होसूर सिटी स्टार्ट हो गया है। यस सो दिस इज़ द होसूर सिटी, मेरा एक्सपेक्टेशन था 6:20 बट 6:03 हो रहा है और अब होसूर सिटी ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। सो देख लो ये सनसेट, कैमरे में तो ज़्यादा बैटरी बची नहीं है, एक अपडेट दे देता हूँ, 6:15 एंड ये हो गई टोल रोड ख़त्म और ये हो गया तमिलनाडु ख़त्म एंड वेलकम टू कर्नाटक। बॉडी का तो एग्जॉस्टेड है, 470 ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स। वेलकम टू बेंगलुरु, हम सिटी एंटर कर लिए थे थोड़ी देर पहले ही, सनसेट हो चुका है, 6:42 हो गया है, अंधेरा नहीं हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है कि हम अंधेरा होने से पहले ही पहुंच गए। इलेक्ट्रॉनिक सिटी इज 4 किलोमीटर, सिल्क बोर्ड इज 16 किलोमीटर। तो दीपक तो सिल्क बोर्ड जाएगा डायरेक्टली, तो फॉर हिम इट्स 16। हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आगे टर्न ले लेंगे राइट। दीपक को मैंने बोल दिया इधर टोल है, टोल में चले जाओ एंड विल गो स्ट्रेट।
ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अब हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं, वही जो टाइम एस्टिमेट लेके चले थे 7:04 एंड वी आर ऑलमोस्ट होम, जस्ट 5 मिनट्स मैक्स। तो टाइम पे पहुंच गए, काफ़ी कुछ टाइम पे पहुंच गए, मतलब एक्सपेक्टेशंस तो हम लोग 12 घंटे के लेके चलते हैं, पहुंच गए 7:10।